हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एसटीसी पे के बारे में। आप में से बहुत से भाइयों को मालूम होगा एसटीसी पे क्या है, इसका क्या काम है, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है एसटीसी पे के बारे में, तो मैं इनको बस शॉर्टकट बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एसटीसी पे जो है बहुत ही बढ़िया ऐप्स है। आप चाहे तो इसमें आप 2 मिनट में अपना मुल्क जो है पैसा भेज सकते हैं। एक्चुअली अभी आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसटीसी पे में एक न्यू अपडेट आया दोस्तों। ओके, और उस न्यू अपडेट आने की वजह से क्या होता है कि इसको एसटीसी पे रजिस्ट्रेशन करने में, उसे यूज़ करने के प्रोसेस में बहुत सारा अभी चेंजिंग आ चुका है। तो आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि एसटीसी पे में एसटीसी पे को कैसे हम अपने मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको A to Z हर एक चीज़ में आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। बस शर्त ये है दोस्तों कि आप वीडियो पूरा देखिए, अगर वीडियो आप स्किप करते हैं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब मैं आपको बताता हूँ A to Z कि इसमें आप कैसे रजिस्ट्रेशन करके कैसे यूज करिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन पर क्लिक कर लीजिए, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए कोई भी यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको ले चलता हूँ अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। ओके दोस्तों, अभी सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करेंगे। यहाँ से एसटीसी पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यह है प्ले स्टोर, इसको पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ लिखते हैं एसटीसी पे। दोस्तों, जब एसटीसी पे लिख के आप सर्च करिएगा तो आपके सामने इतना सारा एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको लिंक करना क्या है, सबसे पहला जो ऊपर में टॉप में लिखा हुआ है एसटीसी पे, जिसका रैंकिंग दिया हुआ 4.4 और 1 मिलियन प्लस जो डाउनलोड हो चुका है, आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है दोस्तों, ठीक है। दूसरा किसी और को इंस्टॉल नहीं करना है आपको, ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, अभी हम इंस्टॉल पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, अभी इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर मैं बताता हूँ आगे इसमें क्या करना है। आप वीडियो स्किप मत करिए दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा, अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए। चलिए 100% होने वाला है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और ओके, अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अभी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा दोस्तों। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ नेक्स्ट, आप सबको नेक्स्ट करते चले जाइए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी आता है गेट स्टार्टेड, इसको फिर क्लिक करना आपको। अभी यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर देना है और फ़ोन नंबर आप वही वाला दीजिएगा जो आप अपना आप शेयर से लिंक कराए हुए होंगे। ओके, तो चलिए अपना फ़ोन नंबर डाल लेते हैं। अभी हम फ़ोन नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी फ़ोन पे आपका पिन कोड आएगा, उस पिन को यहाँ पे लिखना है, जैसे मैं आ चुका है 2564, अभी मैं लिख लेता हूँ उसे 2564। पिन नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। तो यहाँ पर अभी आपको अपना नेशनल आईडी या कामन नंबर जो भी है आपको यहाँ पर नंबर लिखना होगा। ओके, तो चलिए मैं अभी अपना कामन नंबर इंटर कर देता हूँ इसमें, आप भी ऐसे करिए दोस्तों। ओके दोस्तों, अभी अकामा नंबर डालने के बाद में अभी आप डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथ सेलेक्ट करेंगे, ईयर लिख लेंगे, लिखने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना लोकेशन जो है एनेबल करना है दोस्तों। लोकेशन ओपन करने के बाद में यहाँ पर एनेबल लोकेशन पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है 6 डिजिट का, तो चलिए मैं अभी अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। दोबारा कंफर्म करना है आपको पासवर्ड अपना। अभी हम अपना नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं ऑटोमेटिक। अभी यहाँ पर लिखा हुआ गेट स्टार्ट, यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे।
आपका फिंगरप्रिंट मोबाइल पे है तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं इनेबल करके। मैं इसको बाद में करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ओके दोस्तों, ये अभी आपका एसटीसी पेज जो है ओपन हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी ये आपका इनकम्प्लीट कंडीशन में, अभी कम्प्लीट आपका नहीं हुआ है। इसको कम्प्लीट करने के लिए अभी दो प्रोसेस और बाकी है, वो आपको करना होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट जो है चालू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ मोर, मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ये दो चीज़ कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला है आपका आईडी वेरिफिकेशन और दूसरा है कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मैं पहले अपना आईडी वेरिफिकेशन कर लेता हूँ। दो ऑप्शन दिया गया है वेरिफिकेशन के लिए, पहला है अपसेर और दूसरा है एसटीसी कस्टमर वेरिफिकेशन। अगर आपका अपसेर में अकाउंट है तो आप यहाँ अपसेर से इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका अपसेर में अकाउंट नहीं है तो आपको एसटीसी कस्टमर वेरिफिकेशन कराना होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, मेरा अपसेर में अकाउंट बना हुआ है तो मैं अपना अपसेर से इसको वेरीफिकेशन कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो टाइम लगेगा दोस्तों यहाँ पर ही, थोड़ा वेट कर लेते हैं वेरिफिकेशन के लिए। ओके, मैं ओटीपी आ चुका है, ऐसे ही आपका भी ओटीपी आएगा आपसे की तरफ से, तो आपको भी अपना ओटीपी फिल करना होगा, ठीक है। तो मेरा जैसा ओटीपी आ चुका है 175245, तो मैं लिख लेता हूँ उसे अभी 175245। जैसे आप इंटर करिएगा, यहाँ पर आपको शो होने लगे योर आईडी वेरीफाइड, ओके, मतलब कि आपका आईडी जो है वेरीफिकेशन हो चुका है। डन पे क्लिक कर लेते हैं। अभी देखिए, हमारे का भी आईडी वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरा बाकी है कस्टमर इन्फॉर्मेशन, अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है शो होने लगेगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर लिखना है अपना ईमेल, ईमेल आईडी लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सोर्स ऑफ इनकम, ओके, तो इस पर क्लिक करेंगे। इनकम का जो भी सोर्स है आपको इसको सेलेक्ट करके क्लिक करना है। जैसे मैं कंपनी में काम करता हूँ, मुझे सैलरी मिलता है मंथली, तो मैं सैलरी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे है दोस्तों इनकम रेंज, इस पर क्लिक करेंगे। आपका कितना इनकम रेंज है आप अपने हिसाब से, जो भी आपका इनकम रेंज है आप इस पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं अपना इनकम रेंज जो है 2000 से 5000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनकम रेंज सेलेक्ट करने के बाद में इसका नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करना है दोस्तों, जैसे कि आप होम मेकर है, मिलिट्री है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या रिटायर हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय है, या स्टूडेंट है, आपका जो भी सेक्टर है आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ तो मैं प्राइवेट सेक्टर सेलेक्ट करूँगा, ओके। नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर नेम, आपका जो भी कंपनी का नाम है यहाँ पर आपको लिखना है। कंपनी का नेम लिखने के बाद में आपको ओके पे क्लिक करना है। नीचे लिखा हुआ प्रोफेशन, आपका क्या काम है, अपना काम आप सेलेक्ट करिए। प्रोफेशन लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अभी आपका जो है कस्टमर इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, ओके। यहाँ पर लिखा रहा है आपको सामने, देखिए यहाँ लिखा रहा है कस्टमर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड। अभी ओके पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका अभी दोनों ग्रीन हो चुका है। अभी आपका एसटीसी पे अकाउंट जो है 100% ओपन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बैक चलते हैं। अभी अकाउंट नंबर मालूम करने के लिए यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है सदाद इंस्टेंट पेमेंट, ठीक है, आप इस पर क्लिक करिए। ये रहा दोस्तों आपका अकाउंट नंबर, ओके। आप इसको कहीं लिख लीजिए या कहीं पे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा दोस्तों। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा अपने मोबाइल पे एसटीसी पे कैसे ओपन करेंगे। दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो एसटीसी पे के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, उसको नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए इस तरह का यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाते रहता हूँ। अब अपने भाई किसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिव मिलता है आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इसी तरह के यूजफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।